बीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल के एक महत्वपूर्ण फंक्शन के बारे में जिसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल एक डेटा लिस्ट बनाया हुआ है। डेटा लिस्ट में हमने टाइप क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने करंट डेट डाला हुआ है और करंट डेट डालने के साथ साथ यहाँ पे आप अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 12 15 16 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस तरह से करेंगे तो उसके हिसाब से डे, उसकी तारीख और उसका जो मंथ है और उसका ईयर ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल आएगा। एक छोटा सा कैलेंडर बनाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं टेक्स्ट फंक्शन के सहायता से। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो 15 तारीख है वो ऑटोमेटिक उसका डेट ही शो हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आते हैं और नीचे यहाँ पर खींच देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ऑटोमेटिक निकल आया है। यानी इस तरह से ऑटोमेटिक एक कैलेंडर बन के कैसे आता है, तो चलिए हम आपको आज उसी के बारे में बताने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने डेट डाल दिया और डेट डालने के बाद हमने यहाँ पे डे और यहाँ पर हमने मंथ और यहाँ पर ईयर टाइप कर दिया। अब यहाँ अगर आपको डेट डालना होता है तो आप थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर हमें कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आपका वर्तमान डेट इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डे निकालना है उसका, और इसी डेट के आधार पे यहाँ पे डे निकालना है, और यहाँ पे इसी डेट के हिसाब से 14 तारीख जो इसकी डेट है वो अलग निकालनी है, और मंथ जो है वो अलग निकालना है, और ईयर जो है वो अलग निकालना है। तो टेक्स्ट फंक्शन का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो बराबर यहाँ पर हमने टाइप किया टेक्स्ट फंक्शन, यहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइप किया, और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट के बाद बताइए कि वैल्यू कौन सी होगी, यानी जिस चीज़ को आप ज्ञात करना चाहते हैं उसकी वैल्यू कहाँ पे है। तो आपने ये बताया कि यहाँ पे ये वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू होगी, और यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है कि फॉर्मेट टेक्स्ट आपका जो डेट का जो निकालना है, तो आप उसको जो डेट निकालना चाहते हैं उसका फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर बता दिया कि बस हमको यहाँ पर 4 टाइम आपने DD प्रेस कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया, बस आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर डे उसका निकल आएगा। तो बहुत आसानी से आपको डे ज्ञात हो जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी जो 14 तारीख है उसको अलग करना होता है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी, ये बताया, और उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया। तो आपको फॉर्मेट टेक्स्ट यानी यहाँ पर आपको जो डेट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, नंबर्स में चाहिए, दिन में चाहिए, आपको किस तरह का चाहिए। तो आपने यहाँ पे नंबर्स में चाहिए, तो आपने यहाँ पे डे 2 बार DD टाइप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटर 14 तारीख आपका आ गया। इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ये जो आपका डेट जो भी ज्ञात कर रहा है वो आपके जो क्लॉक ट्रे है, आपके जो कंप्यूटर की जो घड़ी है, उसी के हिसाब से यहाँ पर डेट फॉर्मेशन आएगा। अगर इसका फॉर्मेशन आपने प्रॉपर सेट नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ और भी डेट हो सकती है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी था कि जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में हमारे वर्तमान में घड़ी की सेटिंग होना जरूरी होता है। वरना यहाँ पे आप 14 तारीख आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंथ पहले हो सकता है और ईयर मंथ और MM DD और YY की फॉर्मेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब हमारा जो अभी कंप्यूटर का जो फॉर्मेशन है वो DD MM YY का फॉर्मेशन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट फंक्शन के लिए। यहाँ पे आप आते हो, बराबर करते हो, टेक्स्ट याद करते हो, और उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करी, ये बताइए वैल्यू है, और यहाँ पर आपने बताया कि हमें क्या फॉर्मेट चाहिए, तो आपने मंथ चाहिए आपको, तो मंथ को आपने 2 बार MM टाइप कर दिया, बस ये हमारा MM निकल के आ जाता है, यानी ये मंथ हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे ईयर चाहिए तो आपने वही फॉर्मेट इस्तेमाल किया, टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया, और टेक्स्ट फंक्शन के साथ यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी, ये हमारी की ये वैल्यू होगी, और वैल्यू के आधार पे हमारा यहाँ पर YY बोर्ड का टाइम किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ईयर है वो 2021 यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब आपके सबसे जानने वाली बात ये होती है कि देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक प्रकार का एक कैलेंडर बहुत आसानी से बना देगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने संडे को नीचे ड्रैग किया, तो अभी आप देख संडे के बाद सैटरडे ही आ रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे आप देखेंगे 14 तारीख के बाद कोई सीरीज वहाँ पे नहीं बन रही है। इस बात को बहुत जरूरी ध्यान रखना होता है कि हमें टेक्स्ट फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करना है, यानी मंथ वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है। अगर अब हम करंट डेट को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है हमारा 2021 पड़ रहा है, लेकिन अगर 14 तारीख को हम नीचे यानी करंट डेट को हम नीचे जैसे ड्रैग करते हैं
ऑटोमेटिक हमारा कैलेंडर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने खींचा और टेस्ट फंक्शन में संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे आसानी से हमारा कैलेंडर बन के आ जाता है इस तरह से। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह होती है कि जब भी आप कोई कैलेंडर बनाते हैं या कोई डेटा को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने डेट यहाँ पे डाली हुई है और इसी डेट के आधार पे हमें ये जो डे है वो किसी अन्य सीट पे चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सीट थ्री पर, यानी मान लीजिए हम सीट थ्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने डे फॉर्मेट टाइप कर दिया, हमें डे चाहिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन के इस्तेमाल करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि वैल्यू बताइए, क्योंकि अब ये जो सीट है वो बिल्कुल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सीट टू यानी जहाँ पे आपकी वैल्यू है वहाँ पे क्लिक करना होगा। आप जाते हैं सीट टू पर, यानी यहाँ पे सीट टू पे हमारी वैल्यू है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपने वैल्यू बता दी कि ये हमारी जो है सीट टू की वैल्यू है। और जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आप फंक्शन बार में यानी फॉर्मूला बार में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वह बता रहा है कि हमने सीट टू में ए टू सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हमने यहीं पर कॉमा यूज कर दिया। कॉमा यूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी आप बताइए किस फॉर्मेट में टेक्स्ट चाहते हैं, तो आपने बताया कि हमें सिर्फ जो है इस फॉर्मेट में यानी डीडी के फॉर्मेट में हमें चाहिए और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो कैलेंडर है संडे का वो ऑटोमेटिक आ गया है। और अब आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ सैटरडे तक ऑटोमेटिक बन के आ गया है, संडे मंडे ट्यूजडे सैटरडे तक आ गया है। यानी अगर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 तारीख को जो संडे है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अगर हमने यहाँ पर कोई भी अपडेशन भी कर लिया है 13 तारीख भी कर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपका सैटरडे हो गया है। और उसके बाद सीट थ्री पर भी अगर आपने क्लिक किया है तो सीट थ्री पर भी आपको सैटरडे हो जाता है। तो ये टेक्स्ट फंक्शन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके ऑफिस के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इसका इस्तेमाल जरूर करें अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे आप करना चाहते हैं। ये छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।